धामनोद के बंजारीपुरा में एक दर्दनाक हादसे में बेटी की मौत हो गई है। वही मां की जिंदगी और मौत से अस्पताल में संघर्ष कर रही है। पूरा मामला सोमवार सुबह 10 बजे के आसपास का है, जब बंजारीपुरा स्थित कच्चे मकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। पूरा मामला सोमवार सुबह 10 बजे के आसपास का है, जब बंजारीपुरा स्थित कच्चे मकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि घर में घटना के समय 18 वर्षीय किरण और मां सौरमबाई मौजूद थे। मकान कच्चा होने से कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और मां और बेटी दोनों बुरी तरह झुलस गए हैं, जिसमें 18 वर्षीय किरण की दर्दनाक मौत हो गई तो वही सौरभ भाई 90% झुलस गए हैं। आग की लपटों को देखकर आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की और दोनों घायलों को धामनोद अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने क्रेडन को मृत घोषित कर दिया। वहीं सौरभ बाई की स्थिति नाजुक होने से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इंदौर रेफर कर दिया है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से दिनेश मिनारा की रिपोर्ट। सुनील का नाम पता लिख लो, वो लिख लिया मैंने, मैं लिख लिया। अरे सेंडर का बता रहे, वो कहाँ गए? वो थोड़ी साथ में गए थे, साथ में तो रेफर हो गया सर। 40 ऊपर हो गए, 40 महिला की लिखी, इसकी 40 लिखी उसकी उम्र। हाँ महिला की 40 लिखी सर। हाँ अभी उन्होंने बताया जो उसके पति थोड़ी हो, ये तो इसके पिताजी, इसके नहीं, हाँ इसके पिताजी नहीं, उसके पिता तो आए नहीं अभी। मैं आराम से बाहर जो कुकरे गाँव रहे, 8-9 साल से यहीं पे निवासी इनका। 8-9 साल से बता रहे हैं क्या? मायका है, हाँ ये मायका है। आधार कार्ड वगैरह है? यहाँ का नहीं है सर, वो खोपड़िया का होगा, भगवान का। ये तो उसका दो लड़के और दो माँ बेटी है। लड़के कितने बड़े? अरे वो छोटे छोटे हैं, 6 साल का है, 7-8 साल के संबंध पति 8 साल से लगी रही है। 8-9 भाई का नंबर है ना, संभल का।